कैंपिंग करने आए थे, हम इधर इधर घूमने आए थे भाई, बारिश होगी बड़ी तेज, तो देख लो पूरे कपड़ों के हालात ऐसे हो गए, ये देख लो। तो गाइस मेरे को तो ऐसे ऐसे हो गया, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, शायद से पहले जब कुछ सीजन होगा जब पानी आता है या पीछे से कहीं से कनेक्ट होगा। वायरल हो जाएंगे, ये मिल गया रास्ता भाई। फिर क्रिश कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा भाई, टोपी क्यों खोल रहा है, इतना अच्छा तो लग रहा है तू भाई। तो गाइस अभी हम इधर से निकल चुके हैं ऊपर चूड़धार को, चूड़धार क्या बोल रहा है फिर से बोल। तो चलो अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली, इधर से निकलते हैं ऊपर और आपको बीच में जो भी चीज़ें मिलेगी दिखाएंगे और फिर अपना शाम का जो भी प्रोग्राम हो वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइज करीब नीचे से अभी हम 1 किलोमीटर चल लिए ऊपर तक, पर देख लो हालात क्या हो गए हमारे, बिल्कुल पसीने से बर्बाद हो गए और ये पर वो क्रिश भी इधर ही है। अब बाकी इधर से रेस्ट वेस्ट करके हम निकल गए ऊपर को, चलो चलते हैं। अभी मौसम भी कभी बीच में ख़राब हो रहा है, कभी बारिश लग रही है ऐसे, और अभी धूप लगी थोड़ी देर अभी ऐसे लगी है अभी भी देख लो। तो चलो चलते हैं ऊपर और आगे का सीन देखते हैं क्या बनेगा और दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे व्यूज़। तो गाइज चलते चलते कितने घंटे हो गए भाई हमारे को, 6:30 घंटे हो गए, तो करीब हाँ 1.5 घंटा हो गया। तो अभी चढ़ ही रहे हैं, 2-3 किलोमीटर की होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर भाई बढ़िया ट्रैक एकदम, आपको आना होगा तो आप भी आ सकते हो, अभी बिल्कुल अच्छा टाइम है आने का, बाकी बाद में बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। बाकी ये देख लो इधर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूड़धार की, और ये व्यू चेक कर लो एक बार, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो चलो अब इधर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और निकलते हैं आगे, क्या हो गया भाई, व्यू एकदम अल्टीमेट। तो गाइज करीब 11:30 बजे चले थे, अभी हम इधर 2-3 कितने बजने वाले हैं टाइम के बाद, 2 बजने वाले और अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे, 3-4 किलोमीटर करा होगा शायद, 5-6 किलोमीटर करा हुआ है। तो अभी एक लोकेशन पर पहुँचे, बारिश लग पड़ी थी बीच में देख लो आप, थोड़े थोड़े भीग गया वैसे, पहले ही बड़ी गर्मी थी, थोड़ा ठंडक मिली। चलो अभी इधर से देखते रेस्ट मारते थोड़ी देर और निकलते हैं उसके बाद आगे, अभी तो पता नहीं कितना ऊपर है, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चलो चलते हैं। तो गाइज बारिश हो गई तेज और हम अभी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, इधर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले रहा है हमारे क्रिश ब्रेस बढ़िया भाई बंदे का। तो चलो अभी इधर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बारिश रुकेगी तो निकलेंगे ऊपर, नहीं तो यार ऐसे भीग जाएंगे आपको पता है। तो गाइज हमारे जो अपना अगर कैंपिंग करने आए थे, हम इधर इधर घूमने आए थे भाई, बारिश होगी बड़ी तेज, तो देख लो पूरे कपड़ों के हालात ऐसे हो गए हैं। तो अभी बाहर सीधे से नीचे गए हम थोड़ा, इधर आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, तो इधर से हमने अभी ये जो पहना हुआ रेनकोट ये लाया। तो चलो अभी वैसे बारिश, गर्मियों की बारिश आपको पता है बढ़िया है, इसमें भी हम जा सकते हैं। और भाई पर इधर नदियां बह रही है पूरी, मतलब एकदम स्विमिंग पूल टाइप, क्या मतलब सॉरी वाटर फॉल्स बन रहे हैं, देखो ये देख लो फिर भाई कैसा लग रहा है। तो भाई क्रॉस कैसे कर रहे, जूते खोल गए थे, मैं तो नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा। किसका इसमें तो है। तो गाइज अभी ये शूज उतार रहे हैं, बाकी मैं तो नीचे को गया था तो भाई पानी इतना था कि मेरे शूज पूरे भीग गए हैं,
तो चलो अब चलते हैं भाई, जाना तो है हमने। ऐसे ऐसे कुछ मौके होते हैं जिससे आप इंजॉय ढूंढ सकते हो, और हमको छुट्टी थी तो हम आ गए। तो चलो अभी 3 घंटे का और 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर करके आ गए। इससे जो बड़ा मतलब फील टाइप, मतलब बड़ा ही चढ़ाई थी भाई, थक गए हम तो, पसीने पसीने हो गए थे, फिर एकदम ठंड हो गया। चलो ऐसा मौसम भी अच्छा है, अभी मौसम खुलेगा तो ऊपर टेंट लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको सारा। तो चलो अभी ये शूज़ उतारते हैं फिर निकलते हैं। बाकी तो ये देख लो यार, पूरा भीग गया हूँ मैं भी भाई। नंगे पैर ही चलेगा क्या? तो गाइस इनने अभी अभी शूज उतार रहे हैं भाई, मैं तो नहीं उतारूंगा, कहीं लग लुक गई तो अलग सीन। तो भाई ये तो एडवेंचर ही बढ़ गया पूरा बार का आज, मतलब मैंने ये एडवेंचर हो रहा है गाइस यार, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूं, पहली बार किसी कैंपिंग पे जा रहा हूं मैं। चलो दूर दार जाने का वैसे बड़े टाइम से मैं सोच रहा था, तो आज मौका मिल ही गया, हम चल रहे। बारिश लग रही है भाई, बह मत जाना भाई। तो गाइस मेरे को तो भाई मैं निकल गया, देखो पानी पानी निकल रहा है अब तो। चलो क्या कर सकते हैं, चलते हैं इसी बारिश में। कैसे लग रहा है भाई? तो गाइस बारिश से कुछ ऐसा हाल हो गया, देखो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ अभी हमारे को ऊपर चलते चलते। ये क्या आ रहा है यार कैमरे पे, तो थोड़ा रुको साफ करता हूँ इसको। हो गया, ये देख लो झरने ही झरने बह रहे हर जगह पे, मतलब मजा तो आ रहा है। बस रेनकोट पहन लिए, पीने कुछ पीनी है बस, धूप भीग गया। चलो वो तो उतार देंगे, पर इधर देख लो यार कैसे जाऊं। चलो भाई जूते में यार मतलब पानी पानी हो गया यार। ये एडवेंचर याद रहेगा भाई तुमको, मेरे को भी तो याद ही रहेगा। और मस्त ऐसे स्पोर्ट बनाए रहे हो देखो वीडियो पे, और दो दो बंदे हमारे साथ नहीं आए। चलो नहीं आए तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, गांड फट चुकी है। तो गाइस अभी बारिश ने थोड़ा हमारे को मतलब ऐसे कर दिया, मौका दे दिया थोड़ा, मतलब थोड़ी राहत दे दी बिल्कुल। अभी थोड़ी कम हो गई बारिश इधर, पर ये देख लो कुछ ऐसे ऐसे नाले बन गए इधर, और लोग तो अभी जा ही रहे हैं और मौसम खुल गया है बिल्कुल। तो बाकी यार मेरे को एक चीज़ दिखी, देखो ये पूरा ये गाय का या नंदी भगवान का शायद से मुंह बनाया है जिससे पानी निकलता होगा, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। शायद से पहले जब कुछ सीजन होगा इधर पानी आता है, या पीछे से कहीं से कनेक्ट होगा। और बाकी तो इधर ऐसे बैठने को बनाया, और व्यू देख लो एक बार बारिश में जो व्यू दिख रहा है इधर का ना, वो अल्टीमेट लेवल का है। तो गाइस अभी रहते हैं थोड़ी देर, थोड़ा ऐसे रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं इधर से ऊपर। अभी 10 किलोमीटर पीछे देखा हमने बोर्ड, 10 किलोमीटर अभी और है, तो 14-15 किलोमीटर तो हमने अभी ट्रैवल कर लिया है बिल्कुल चढ़ाई पे। बाकी जो ट्रैक है एकदम बढ़िया है, मस्त है भाई, मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगा। आप भी आ सकते हो पूरे, आपको आप एक हर एक चीज़ बताएंगे कि आपने टेंट कहाँ से लेने हैं और सब कुछ। चलो आगे,